देखो, फ्लेक्स सर्व पैकेज किए थे, गॉम्पर्स लॉ में क्या देखे थे, म्यू एक्स इज इक्वल टू बी सी एक्स, ठीक है, बी सी टू द पावर एक्स. इंस्टॉल डॉट पैकेजेस फ्लेक्स सर्व इंस्टॉल कर लो. हाँ, सिक्स है. लोड कर लो इसको, तुम लोग का किया हुआ होगा ऑलरेडी, ठीक है. तो देखो, ये हम लोग कर चुके हैं, फिर भी बार रिवाइज करें वापस. म्यू एक्स हम लोग कैसे लिखते हैं थ्योरी में, बी सी टू द पावर एक्स, पर हम लोग जब सर्च किए थे यहाँ पे फ्लेक्सर पैकेज में, आर कॉम्पर्स, एच कॉम्पर्स, कॉम्पर्स, डी कॉम्पर्स, ये पूरा सारा जितना भी सिक्स इक्वेशंस था, सिक्स फंक्शंस, वो सारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, आर में कैसे डिफाइन किया था, अगर तुम लोग डी कॉम्पर्स टाइप करेगा तो डी कॉम्पर्स से क्या आता है, पीडीएफ. डी से पीडीएफ, पी से सीडीएफ, क्यू से क्वांटाइल्स एंड आर से सिमुलेटेड वैल्यूज. एच गॉम्पर्स, स्मॉल एच वाला से हैजर्ड रेट एंड कैपिटल एच वाला से क्यूमुलेटिव हैजर्ड रेट, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, इन लोग ऐसे डिफाइन करते हैं बी एक्सपोनेंशियल ए एक्स, और हम लोग डिफाइन करते हैं बी सी टू द पावर एक्स. तो ये एक्सपोनेंशियल ए इन लोग का हम लोग के लिए सी है, ठीक है. तो ये बस डिफरेंस है. तो रेट पैरामीटर इज बीटा बी. यहाँ पे देख लो, जो इन लोग रेट पैरामीटर बोल रहे हैं, कन्फ्यूज मत होना रेट एंड शेप में. हर डिस्ट्रीब्यूशन का एक रेट पैरामीटर, शेप पैरामीटर होता है, ठीक है. तो यहाँ पे इसका रेट पैरामीटर मतलब कि बी इंटू एक्सपोनेंशियल शेप पैरामीटर मतलब कि इन लोग का ए, एक्सपोनेंशियल ए शेप है. हाँ, तो ये ए है, शेप पैरामीटर ए है, मतलब ये वाला शेप पैरामीटर इन लोग के लिए ए है. हम लोग का शेप पैरामीटर इज ए, इज हम लोग के लिए क्या, लॉग सी, ठीक है, इंटू एक्स. रेट पैरामीटर इज बी एंड शेप पैरामीटर इज लॉग सी. वाई लॉग सी, बिकॉज एक्सपोनेंशियल टू द पावर ए इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू लॉग सी. क्लियर हुआ ये चीज़? तो ये हमेशा याद रखना, रेट पैरामीटर एंड शेप पैरामीटर इज अल्फा एंड रेट पैरामीटर इज बीटा. ये हो गया. अब देखो, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है. एज कॉम्पर्ट से क्या आता है, हैजर्ड रेट. हैजर्ड रेट क्या होता है, क्या होता है, म्यू म्यू एक्स को हैज, जब यहाँ पे लिखा है ऐसे कि म्यू एक्स, उसके बाद यहाँ पे लिखा है, फिर भी तुम यहाँ मोर्टैलिटी रेट, आदमी का मरने का नहीं, क्यों, हैजर्ड रेट यहाँ पे क्वेश्चन में तो हैजर्ड रेट ही लिखा हुआ है, ठीक है. तो एज कॉम्पर्ट से म्यू एक्स यानी कि हैजर्ड रेट कैलकुलेट होता है. मेरे को पता था कि तुमको नहीं पता, इसलिए तुम ऐसे मुंह बना रहे हैं कि हैजर्ड रेट है क्या. 55 इज द एज, देख लो यहाँ पे, एक्स एक्स इज द वेक्टर ऑफ क्वांटाइल्स विच इज एज. शेप पैरामीटर ए, रेट पैरामीटर इज बी, ठीक है. तो यहाँ पे ये हम लोग का बी है एंड लॉग ये क्या है, 1.1 सी, ठीक है. तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बी एंड सी करके दिया हुआ रहेगा, तुम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा. एज 55 है, नहीं ये लिखना ज़रूरी नहीं है. हाँ, पहला शेप, दूसरा रेट, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बिना इसके भी कर सकते हैं. देख लो, एज जैसे गिर रहा है, म्यू एक्स क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए, तो वही हो रहा है. देख लो, कंपेयर कर लो, हैजर्ड रेट भी डिक्रीज हो रहा है विद एज. जैसे जैसे एज इंक्रीज होगा, हैजर्ड रेट इंक्रीज होगा, एंड सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या, अब वो डिपेंड करते हैं. देखो, वो एक पूरा लाइफ, हाँ, एक वो पर्टिकुलर जो एज 18, 19, 20 होता है, इसमें एक बार स्पाइक होता है, वो अलग से एक स्पाइक आता है, फिर वापस फॉल होता है, फिर वापस इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, फिर वापस से जब बॉर्न होता है तो एक इन्फेंट टाइम में वो सिक्स एक हाई, एक बार वो 2-3 मंथ्स के लिए हाई होते हैं, फिर वापस से डिक्रीज हो जाते हैं. तो वो कर्व ऑब्वियसली रहते हैं. यहाँ पे 55-45 के बीच में तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिलेशन रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट देखो, पी गॉम्पर्ड्स क्या होगा, सी डी एफ. पी गॉम्पर्ड्स इज फॉर सी डी एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स लेस दैन इक्वल टू एक्स. तो मतलब कि
हैजर्ड रेट या फिर गॉम्पर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हैजर्ड रेट नहीं है, गॉम्पर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये तुम लोग के सिलेबस में आना नहीं चाहिए, बिकॉज तुम लोग के लिए एज गॉम्पर्स ही आएगा यूज. पी गॉम्पर्स हो गया. नेक्स्ट इज क्यू गॉम्पर्स. क्यू गॉम्पर्स किस लिए है? क्वांटाइल के लिए. प्रोबेबिलिटी एक्स लेस दैन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0.5. तो इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो मीडियन है. यहाँ पे मीडियन क्यों है? 0.5 ले रहे हैं. प्रोबेबिलिटी x लेस दैन इक्वल टू x, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे लेस दैन लिखो या लेस दैन इक्वल टू लिखो मैटर नहीं करता. तो ये जीरो, ये जो x का वैल्यू आएगा ये हम लोग क्वांटाइल से निकालते हैं, एंड यहाँ पे ये 0.5 है इसीलिए मीडियन वैल्यू है. निकाल लो, दिस इज द मीडियन एज. ठीक है, यहाँ पे इसको डी गॉम्पर्स कर दो. ये डी गॉम्पर्स है. डी गॉम्पर्स से क्या आता है? पीडीएफ. ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 50 वाला वैल्यू. इक्वल टू 50. ठीक है, यहाँ पे है लेस दैन इक्वल टू 50. ठीक है, जनरली सीडीएफ ऐसे डिनोट करते हैं, लेस दैन इक्वल टू. नेक्स्ट देखो आर गॉम्पर्स. आर गॉम्पर्स से क्या आता है? यहाँ पे 10 सिमुलेटेड वैल्यूज आएगा, वेयर शेप पैरामीटर इज वन, शेप पैरामीटर इज पूरा लॉग 1.1 एंड रेट पैरामीटर इज दिस. यहाँ पे दिस इज सी एंड दिस इज बी. कन्फ्यूज मत होना. 10 सिमुलेटेड वैल्यूज तुम लोग के लिए ऑब्वियसली आंसर्स मैच नहीं करेगा क्योंकि हम लोग सेट डॉट सीड यूज नहीं किए. कैपिटल एच गॉम्पर्स से क्या आएगा? एक्स का वैल्यूज आ रहा है, मतलब कि एक डिस्ट्रीब्यूशन में से, हाँ एज, तुम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन में से रैंडमली एक्स का वैल्यूज निकाल रहे हो. ठीक है, कैपिटल एच गॉम्पर्स इज सीडीएफ. देख लो, कर लो. सीडीएफ ऑफ हैजर्ड फंक्शन, CDF ऑफ हैजर्ड फंक्शन. उसका यूज़ नहीं है, उसका यूज़ नहीं है तुम लोग के लिए. बस बेसिकली एक मिनट, बेसिकली ये पांचों पूरे फंक्शंस का आई डोंट थिंक तुम लोग के यूज़ है सिलेबस में. वो स्मॉल एज गॉम्पर्स का ये विच इज़ फॉर हैजर्ड रेट. बोलो, निकालेंगे अभी. सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी हुआ. अब नेक्स्ट देखो, ये वाला तुम लोग को याद है, पीडीएफ इज इक्वल टू सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इनटू हैजर्ड. जो हम लोग बोलते हो तुम लोग एस्टिमेटेड लाइफ टाइम, उसका पीडीएफ इज व्हाट? पीएक्स इनटू म्यू एक्स. ये होता था पीएक्स इनटू म्यू एक्स. पीएक्स इज सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी एंड म्यू एक्स इज द हैजर्ड रेट. दिस इज इक्वल टू एफ एक्स. दिस नहीं, ये, हाँ ये वाला, दिस इज प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर दैन एक्स इंटू म्यू एक्स. दिस इज पी एक्स सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी. तुम लोग नहीं की हो स्मॉल एफ एक्स, मतलब कि ये पी डी एफ डिराइव भी की हो इसको. स्मॉल पी डी एफ को कैसे लिखते हैं हम लोग? सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी विच इज पी एक्स इंटू म्यू एक्स. और सी डी एफ को कैसे लिखते हो? सी डी एफ क्या होता है? क्यू एक्स होता है, टी क्यू एक्स होता है. ठीक है, वो हो गया सीडीएफ, और पीडीएफ हो गया सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इनटू हैजर्ड. सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इज पी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स. अरे एस एक्स हम लोग डिनोट करते हैं सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी को. जो तुम सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी एस के एम एस एन ए वो क्या था? वो पी एक्स ही तो था, पर हम लोग डिनोट कैसे कर रहे थे एस एक्स से? सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी पी डी एफ का, पी डी एफ ऑफ लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल कंप्लीट. अरे नहीं, ये डिराइव नहीं किए थे पी डी. तुम लोग ये पी डी एफ देखे कन्फ्यूज मत हो कि डिराइव एफ एक्स है तो उसका पी डी एफ. हम लोग रैंडम टी का नहीं निकाले थे, कैपिटल टी का कंप्लीट लाइफ टाइम. हाँ, टी पी एक्स इंटू म्यू एक्स प्लस टी इज पी डी एफ ऑफ कंप्लीट लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल.
हाँ वही है ये टी पी एक्स इंटू टी पी एक्स सर्वाइवल है और म्यू एक्स प्लस टी हैजर्ड रेट है, सेम चीज़। ठीक है, तो अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसे होल्ड करते हैं। सबसे पहले तो पीडीएफ कौन से फंक्शन से निकल सकता है? डीकॉम्पर्स। अगर बोल रहे हैं दैट माई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज गॉम्पर्स, तो हम लोग डीकॉम्पर्स से पीडीएफ निकालेंगे। फॉर एज 50, सी दिया हुआ 1.1 एंड बी दिया हुआ 0.00015, तो ये आ जाएगा पीडीएफ। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में ऑब्वियसली देगा बी और सी, या फिर क्या आएगा तुम लोग को डिराइव करने के लिए आएगा, तो दो एज दे देगा, बोलेगा दो एज पे, जो दो एज देगा आ सकते हैं इसमें तो इजीली निकाल लोगे। दो एज दे देगा, दो हैजर्ड रेट दे देगा और बोलेगा बी और सी निकालो, तो दो इक्वेशन है और दो अननोन है, सॉल्व कर लो। जनरली इसमें आएगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि तुम लोग को पता है 2 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा सॉल्व करने में बस। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अगर टी पी एक्स होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन एक्स प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस पी कॉम्पर्स करेंगे, क्योंकि पी कॉम्पर्स क्या होते हैं, पी कॉम्पर्स क्या होते हैं, सी डी एफ होते हैं, हम लोग को इनवर्स उसका उल्टा चाहिए, तो हम लोग 1 माइनस करके सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। हैजर्ड रेट एज कॉम्पर्स से निकलेगा, कर लो देख लो। पी डी सी पी डी एफ के लिए और पी सी डी एफ के लिए। ठीक है, वो है उन लोग का नोटेशन। अभी बहुत कुछ है आर में, सबसे ज्यादा फंक्शंस टाइम सीरीज में। देखते हैं कब तक ये बना लिया। तो देखो पीडीएफ का वैल्यू क्या आ रहा है और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इनटू हैजर्ड का वैल्यू देखो सेम आ रहा है, प्रूव हो गया। तो पीडीएफ निकाले, डी कॉम्पर्स सिक्स डेसिमल प्लेसेस तक ट्रू है, उसके पूरा नहीं होगा इसीलिए फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, हाँ राउंड करके लिखेगा तो आएगा राउंड, 6 कर दो। ट्रू आ गया। ठीक है, तो पीडीएफ किससे की? डी कॉम्पर्ट से पीडीएफ आते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एक्स, तो हम लोग 1 माइनस पी कॉम्पर्ट्स किए एंड हैजर्ड रेट इज एच कॉम्पर्ट्स। फिर हम लोग देखे पीडीएफ इज इक्वल टू सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इंटू हैजर्ड, प्रूव हो गया हम लोग का इक्वेशन। अब देखो तुम लोग मेरे को बोलना मत कि एग्जाम में नहीं आप इतना कुछ करा रहे, ये सब करा रहे ताकि तुम लोग का थ्योरी भी रिवाइज हो जाए, और फिर तुम लोग मेरे को ये भी ना बोलो कि कराया नहीं। सब कुछ करेंगे हम लोग, मतलब एक भी चीज एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। रिलेशन बिटवीन शेप पैरामीटर, फिर भी कुछ नया आ गया तो अब क्या बोले? रिलेशन बिटवीन शेप पैरामीटर एंड हैजर्ड फंक्शन। शेप पैरामीटर क्या होता है? लॉग सी, लॉग सी। ठीक है, और हैजर्ड फंक्शन, ठीक है कोई बात नहीं। शेप पैरामीटर मतलब लॉग सी और हैजर्ड फंक्शन, ये दोनों को कंपेयर करना है बेसिक। ये भी थ्योरी में नहीं है तुम लोग का, और मेरे को लगता भी नहीं कि आएगा। इंडिया में आ सकते कुछ भी, ठीक है कुछ भी आ सकते हैं, तो कर लेते हैं सब चीज़। शेप पैरामीटर देख लो हम लोग एक बार, देख लो यहाँ पे, फिर तुम लोग रन करना। शेप पैरामीटर ले रहे हैं हम लोग 1 से लेके 1.2 तक,
एंड बेसिकली ये शेप पैरामीटर नहीं, तुम सही बोला, ये सी है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे लिखे हैं, तो इसको सी कर दो, कंफ्यूज मत हो, इसको सी कर दो, यहाँ पे भी सी हो जाएगा। ठीक है, देखो तो सी हम लोग ले रहे हैं 1 से 1.2, लेंथ 100 ले रहे हैं, मतलब टोटल 100 वैल्यूज, 1 से लेके 1.2 टोटल 100 वैल्यूज आएगा, और वो बीच का गैप अपने आप डिसाइड हो जाएगा। तो सी को रन कर लिया। फिर अब देखो एक नया वेक्टर ले रहे हैं हैजर्ड, उसमें हम लोग 0 ले रहे हैं 100 टाइम्स, तो रिपीट 0 100 टाइम्स, ये फंक्शन हम लोग कर चुके हैं, रिपीट 0 100 टाइम्स। तो अभी सी में 100 वैल्यूज है, सी में 100 वैल्यूज है, हैजर्ड में 100 वैल्यूज है, ठीक है, दोनों में 100 वैल्यूज है। अब देखो क्या करना है, फॉर आई इन 1 to 100 0 100 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। हाँ ये थे ना ये फंक्शन रिपीट वाला वेक्टर्स में। तो अब देखो फॉर आई इन 1 to 100 हैजर्ड 1, मतलब हैजर्ड यहाँ पे अगर 1 फर्स्ट टाइम लूप रन हो रहा है, तो हैजर्ड का फर्स्ट एलिमेंट में, क्योंकि इंडेक्सिंग यूज़ किया हम लोग, ठीक है, तो हैजर्ड वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट में क्या स्टोर होगा, देखो एज कॉम्पर्स से क्या आते हैं, हैजर्ड रेट आते हैं, एज 50 है, शेप पैरामीटर में क्या लिखे हैं, लॉग सी आई, ये वापस इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं, तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम रन होगा तो आई विल टेक वैल्यू 1, हैजर्ड में 1, यहाँ पे 1 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ 0, 0 के जगह भी क्या साइन होगा, इसका पूरे का वैल्यू विच इज़ द हैजर्ड रेट 50 कॉमा लॉग सी 1, तो ये भी क्या है, दिस इज़ ऑल्सो इंडेक्सिंग, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सी, एंड ये मेरा रेट पैरामीटर है, ठीक है, कर दो 0001, ठीक है, रन करो लूप को। लूप समझ में आया, हैजर्ड वेक्टर था उसमें 100 वैल्यूज था, तो उस 100 वैल्यूज में हर 100 जीरोस था, फर्स्ट जीरो के जगह पे एक हैजर्ड रेट डाल रहे हैं विद अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लॉग, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी, नेक्स्ट में वापस 100 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। पूरा चीज़ देख लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। फर्स्ट टाइम लूप रन हुआ, फर्स्ट एलिमेंट में 0 है, उसके जगह असाइन कर रहे हैं एक हैजर्ड रेट, जहाँ पे फर्स्ट वाला सी का वैल्यू ले रहे हैं इंडेक्सिंग यूज़ करके, एंड यहाँ पे रेट पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। लूप जितना जल्दी अब समझोगे उतना बेटर है, क्योंकि काफ़ी लूपिंग हम लोग के है सिलेबस में। सी हो गया अभी, देख लो रिलेशन बिटवीन सी एंड, ये मेरा सी है एंड हैजर्ड, तो जैसे जैसे सी इंक्रीज हो रहा है हैजर्ड रेट इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव, बेसिकली पॉजिटिव भी नहीं है ये, पूरा लीनियर पॉजिटिव नहीं है ये, कर्व है, तो सी पहले भी भर है पर उतना रेट से नहीं, बाद में बहुत ज़्यादा रेट से भर रहे हैं, ठीक है, बोलो। नहीं 100 वैल्यूज होगा हैजर्ड का, तुम क्या कर रहे, देखो पहला वैल्यू है आई, जब लूप जब रन किया फर्स्ट टाइम, यहाँ पे 1 मतलब कि फर्स्ट 0, उसकी जगह क्या असाइन हुआ, पूरा एक हैजर्ड रेट, जहाँ पे सी 1 है, मतलब फर्स्ट वाला सी का वैल्यू, वापस सेकंड टाइम लूप रन हुआ, हैजर्ड यहाँ पे आई 2 लिया, तो सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट में ये स्टोर किए, वापस यहाँ पे भी सी का सेकेंड वैल्यू लेगा, ये 100 टाइम्स लूप रिपीट होगा, तो 100 टाइम्स लूप रिपीट हुआ, जो तुम्हारा हैजर्ड वेक्टर है, हैजर्ड वेक्टर, हाँ हैजर्ड के अंदर 100 एलिमेंट है, तो 100 जीरो है, उस 100 जीरो में हम लोग हर एक में हैजर्ड रेट डाल रहे हैं। ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये लॉग फंक्शन का ऐसा होता है, अगर तुम लोग को याद है तो, ये लॉग सी कर रहे, देखो ना हम लोग यहाँ पे सी लिखे हैं, पर हम लोग लॉग सी पूरा लेके, बेसिकली शेप पैरामीटर इज लॉग सी, इसीलिए ऐसा बन रहा है कर्व, लीनियर नहीं बन रहा है, अगर लॉग सी पूरे का ही कुछ वैल्यू लेते तब लीनियर बनता, जैसे कि यहाँ पे सुन लो एक बार, इस लॉग को नहीं लिख के सिर्फ सी लिखते यहाँ पे, तब एक स्ट्रेट लाइन बनता,
समझ में आया? रिलेशन बिटवीन सी एंड हैजर्ड ऐसे निकाले। अब तुम लोग ट्राई करो तो रेट का निकालने का सेम तरीके से। रेट का वैल्यूज लेना जी, ये वैल्यूज ले लेना रेट पैरामीटर का, 0.001 से 0.003। ट्राई करो फिर खुद से बनाने का लूप। रेट पैरामीटर विच इज बी एंड हैजर्ड रेट, दोनों का रिलेशन निकालो। लूप बनाने का ट्राई करो, सेम लूप बनेगा एकदम। समझ आया देवेश? एक वैल्यू नहीं रहेगा, 100 वैल्यूज रहेगा, इसीलिए लूप। हाँ वो पूरा 100 जीरो है तो उसका 100 जीरो की जगह पे 100। नहीं 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 नहीं, अगर तुम यहाँ पे ये नहीं लिखता तब होता वैसा, और वो फंक्शन में होता है, इसीलिए हम लोग लूप ले रहे हैं कि 100 टाइम्स रिपीट हो। हाँ सी आई 1.1 ले लो, सी 1.1 ले लो। ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे CS2 भी की थी, दो तीन जन किए थे क्लियर लास्ट टाइम। इंडिया से, इंडिया से, इंडिया से स्ट्रेट लाइन बन रहे है। हाँ क्लास के बाद बात करते, तुमको जो मैंने करो, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं कि क्लियर नहीं कर सकते हैं। इंडिया से भी लोग क्लियर करते हैं। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुमको मेहनत उतना ही करना पड़ेगा। तुम पास पेपर से सॉल्व किया ही होगा CA1 में, नहीं किया था? बना लूप। अब वापस से हैजर्ड को लेंगे 0 100 टाइम्स, वापस फॉर लूप आई 1 to 100, हैजर्ड 1, एज गॉम्पर्स 50, एज है लॉग 1.1, फिक्स कर दिए सी को। अब यहाँ पे रेट पैरामीटर आई, तो मेरा रेट पैरामीटर क्या है, इसको रन कर लेते हैं। 0.001 से 0.003 100 वैल्यूज है टोटल। हैजर्ड एक और वेक्टर बना रहे हैं जिसमें 0 100 है, उसके बाद सॉरी 100 जीरोज है। फिर लूप रन कर रहे हैं, हैजर्ड जो मेरा वेक्टर है उसके फर्स्ट एलिमेंट में हम लोग क्या डाल रहे हैं, एक फंक्शन हैजर्ड गॉम्पर एज गॉम्पर्स विच इज़ फॉर हैजर्ड रेट, एक्स इज 50, लॉग 1.1 इज द शेप पैरामीटर। हाँ वही तो, म्यू एक्स इज इक्वल टू बी सी टू द पावर एक्स है, तो बी और म्यू में लीनियर रिलेशन बनेगा, ठीक है, और सी में और म्यू एक्स में लीनियर रिलेशन बनेगा सी में। पर इन लोग क्या ले रहे हैं, इन लोग सी नहीं ले रहे, इन लोग एक्सपोनेंशियल ए एक्स ले रहे हैं, तो वो एक्सपोनेंशियल ए हम लोग का सी है, तो एक्सपोनेंशियल रिलेशन बनेगा। हाँ म्यू एक्स इज इक्वल टू बी सी टू द पावर एक्स है, तो b जैसे जैसे इंक्रीज होगा म्यू भी वैसे वैसे इंक्रीज होगा, अगर c कांस्टेंट है तो लीनियर रिलेशन बनेगा, समझा? और c और म्यू में क्या रिलेशन बनेगा, क्योंकि c टू दी बार x कर रहे तुम, तो एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन बनेगा। हाँ ठीक है, तो ये लूप रन किए, प्लॉट देख लो लीनियर, म्यू इज इक्वल टू बी सी टू द पावर एक्स, तो अब बी और सी कॉन्स्टेंट है पूरा, तो बी जैसे जैसे इंक्रीज होगा म्यू भी तो वैसे वैसे इंक्रीज होगा, लीनियर रिलेशन, पर सी टू द पावर एक्स हो रही है, तो सी जैसे जैसे इंक्रीज होगा एक्स का वैल्यूज अगर कॉन्स्टेंट भी है तो सी इंक्रीज तो हो रहा है ना, तो ये लीनियर रिलेशन नहीं बनेगा, एक काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल या फिर क्वाड्रेटिक रिलेशन जो बोल सकते हैं वो बनेगा। पर फंक्शन तो तुम्हारा यही है, एट दी एंड फंक्शन तो यही जा रहे है, सी से ही रिलेशन निकल रहा है तुम, तो वो एक्सपोनेंशियल ए पूरा सी है ना। इन लोग यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो चीज़ है इन लोग के लिए ये ए है, ठीक
ठीक है, हम लोग के लिए एक्सपोनेंशियल सी है, बात तो एक ही हुआ, बन तो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल रिलेशन रहे, एक्सपोनेंशियल ए एक्स, ए एक्स है ना, तो एक्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सपोनेंशियल ए, तुम्हारा ए इंक्रीज होगा तो एक्सपोनेंशियल चेंज आएगा ना म्यू में। वो तो यहाँ पे भी हो रहा है, नहीं सी टू दी पर एक्स तो तुम बोल ही रहे, तो तुम मेरे को बताओ स्मॉलर वैल्यूज, हाँ तो क्या हुआ, सी इंक्रीज होगा टू दी पार समथिंग तो ले ही रहे तुम, तो एक होता है 2 to the power 20 और एक होता है 3 to the power 20, बहुत डिफरेंस आ जाता है, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। हाँ ये तो पॉइंट्स में है, पहले धीरे धीरे हुआ फिर बाद में बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ क्योंकि देख लो, क्योंकि जब यहाँ पे ये 1 के पास था तब उतना इंक्रीज नहीं हुआ था 1 to the power something, फिर ये जितना 1 से दूर गया 1.2 हुआ, तो अब 1.2 to the power 50 एंड 1.1 to the power 50, बहुत डिफरेंस है दोनों में, इसीलिए एक बार में इतना इंक्रीज हो गया। तो सी का और म्यू का एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन है क्योंकि 2 to the power तुम कर रहे हो, और यहाँ पे बी और म्यू का लीनियर है। हाँ हाँ अरे तुम यहाँ पे सी से सोचो या एक्सपोनेंशियल ए से सोचो या कैसे भी सोचो, बात एक ही चीज़ आएगा एंड में, होगा एक ही कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो यही हो रहा है एंड में। यहाँ पे सी के हाँ 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 उसका ज़रूरत नहीं, अनलेस बोले लॉग करने का मतलब कि ये स्केल जो है ये लॉग स्केल हो गया, मतलब कि लॉग 0 लॉग 2 लॉग 4 वो हो गया। हाँ लॉग इक्वल टू एक्स, हाँ पर रिलेशन वही रहेगा, ग्राफ ऐसा ही आएगा, ए बन जाएगा। क्लियर हुआ पूरा चीज क्या किए, एक बार देख लो पूरा, 2 मिनट लगेगा। ये हम लोग का कॉम्पस रिलेशन होता है, फ्लेक्सर्फ पैकेज इंस्टॉल किए और लोड किए, ये हम लोग देखे कि बी सी टू दी पावर एक्स है, पर आर में बी इंटू एक्सपोनेंशियल सी एक्स है, तो ए एक्स है सॉरी, तो इन लोग का जो शेप पैरामीटर है विच इज़ ए, वो हम लोग का लॉग सी बन जाएगा यहाँ पे। तो एच कॉम्पर्स करके देखे, डी पी क्यू एंड आर करके देखे, पी डी एफ इज इक्वल टू सर्वाइवल इंटू हैजर्ड रेट करके देखे, सेम आ रहा था, फिर रिलेशन बिटवीन शेप पैरामीटर विच इज़ यहाँ पे ए, इन लोग का शेप पैरामीटर, और अगर रिलेशन बिटवीन बेसिकली समझ लो सी एंड हैजर्ड रेट, तो ये आएगा सी का डिफरेंट वैल्यूज़ लिए लॉग सी एंड बी का एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रखे, सेम वापस रिपीट किए हम लोग बी के लिए। ठीक है सिंपल है।